हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब लोग चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया और मैं लग गई हूँ अपना किचन क्लीन करने में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी किचन भी क्लीन करनी है मुझे काफी टाइम हो गया बीच में कर भी ली थी पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई तो मैंने सोचा इस बार करूंगी तो जरूर करूंगी आप लोगों के साथ भी शेयर तो मैंने टोकरी निकाली ये सारी धो दी रैक जो है मेरा ये डब्बे रखने का और ये सारी टाइले मैंने क्लीन की वहां से हटा के यहाँ से रैक अच्छे से साफ किया है और डब्बे वगैरह मैंने साफ नहीं किए क्योंकि जो भी खाली होता रहता है ना एक एक करके मैं उसे धोती रहती हूँ तो इसलिए ज्यादा क्लीन करने की जरूरत नहीं थी हाँ लेकिन साफ जरूर करने हैं तो उनको साफ करूंगी मैं और बस सुबह सुबह मैं लग गई थी अपने काम में वही औरतों वाली बीमारी जो भी है क्योंकि जो भी हाउस वाइफ होती है ना अपना काम जो करती है तो मन लगा के करती है और बिल्कुल सफाई से करती है कि घर अच्छे से चमकना चाहिए और काम किया ये भी लगना चाहिए तो वही वही मैं भी कर रही हूँ और अपना काम दिखाने में कैसी शर्म जो हम काम करते हैं तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता और जो भी हाउस वाइफ होती है उनके लिए तो काम बहुत ज्यादा होता है आप लोगों को भी पता है भले ही हम लोग घर में दिखते हैं लेकिन घर में काम इतना होता है ना कि एक टाइम बाहर से आके भी आराम मिल जाए हाँ ये भी है पर जो ऑफिस जाते हैं उन्हें घर का भी करना होता है ऑफिस का भी संभालना होता है पर उस हिसाब से अपनी रूटीन बना लेते हैं पर हमारा भी ये है हम घर में रहते हैं ना तो हमारे लिए भी काम कम नहीं है तो इसीलिए तो बस दालें जो रखी थी वो डब्बे में रखूंगी और ये डब्बे है ना जो दाल के इन्हें अलग रखूंगी यहाँ पे ना बीच वाली स्लिप पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा हुआ इसलिए इसे मैं ऊपर वाली पे रखूंगी वहाँ पे मेरा हाथ चला जाता है इसलिए मैंने सोचा ऊपर ही रख दू सारे डब्बे और नीचे जगह बच जाएगी क्योंकि ना बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है और एक के ऊपर एक डब्बे रखे रहते हैं ना तब भी जगह नहीं बचती तो इसलिए मैंने आज सारे दाल जो भी है ना डब्बे दाल छोले और राजमा सब ऊपर रख दी और अलग रहेगी ना तो पता भी रहेगा मुझे कि इस डब्बे में क्या है कौन से डब्बे में क्या रखा है कई बार ना मेरी दाले रह जाती है बन नहीं पाती और फिर डब्बा पीछे रह जाता ना तो रखी रह जाती है याद ही नहीं रहती इसलिए मैंने सामने ही रख दिया और बस अच्छे से टाइल भी मैंने क्लीन कर दी डस्टर से और सारा सामान दोबारा अच्छे से पोच पोच के मैंने इसमें रैक में रख दिया तो डब्बे बस ऊपर से ही क्लीन करने हैं मुझे धोने तो है नहीं क्योंकि मैंने बताया ना मैं इनको धोती रहती हूँ तो ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, पर डस्टर जरूर लगाना पड़ता है क्योंकि ऑयल वगैरह खाना बनता है ना तो वो धीरे धीरे जमता रहता है इनपे तो इस वजह से साफ करने पड़ते हैं और आज रैक भी मैंने अच्छा पानी से धो दिया ना पूरा सर्फ से तो क्लीन हो गया बिल्कुल और ना ऐसे ही अच्छे से साफ होता है इस पे ना अगर मैं डस्टर लगाऊं तो अच्छे से साफ नहीं होता क्योंकि इसमें जालियां जो बनी हुई है ना वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती इस वजह से तो मैंने सारा अच्छे से साफ किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें सा, सारा सामान सेट किया और बस दोपहर में नहा ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी फिर शाम के टाइम उठी और शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ तो शाम के खाने में आज बनेगी रात के खाने में तो आज बनेगी आलू गोभी और दो चार मटर रखी थी तो वो भी इसमें डाल लूंगी तो बस गोभी अच्छे से देख के साफ करके और मैं काट रही थी टीवी देखते देखते मैंने सोचा यहीं पे काट लूंगी किचन में जाने का मन नहीं है क्योंकि ठंड ना जितनी ज्यादा हो रही है आज क्या दो तीन दिन से ही ज्यादा हो रही है ठंड तो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये महीना जाएगा ना तो दिसंबर का सर्दी का ही होता है पंद्रह तारीख के बाद तो दो महीने ठंड अच्छी खासी पड़ जाती है दिल्ली में और बस उठने के बाद ना मेरा मन बिल्कुल नहीं किया कि मैं किचन में जाऊं और किचन में खड़ी होकर सब्जी काटू मैंने सोचा बैठ के आराम से बिस्तर में काटूंगी टीवी देखते देखते और एक कप चाय भी पी ली जब जाके थोड़ा सा आराम पड़ा गले में भी क्योंकि गले में भी मुझे इन्फेक्शन रहता ना तो सर्दी सर्दी रहता ही है चाय में दवाई भी ले लू रोज मैं दवाई ले रही हूँ दोनों तीनों टाइम फिर भी आराम नहीं आ रहा ये गले में खराश सी जो रहती है ना तो काफी लंबे टाइम तक रहती है उससे में मुझे लगता है आवाज खराब सी हो रही है ना तो थोड़ा सा गला खराब रहता है इस वजह से लगता है और गुड़िया तो गई है अपनी बड़ी मम्मी के घर वो ना कल गई थी कल नहीं परसों गई थी जब से अभी तक नहीं आई ना मैं लेने गई उसे तो अभी बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी ये मेरा रात का खाना बन रहा है और ठंडा इतनी बढ़ गई है उठने का मन ही नहीं कर रहा शाम को अभी मैं बिस्तर में से उठी ना यहीं पे बैठ के मैंने सब्जी भी काट ली बेड पे ठंड इतनी लग रही है दो दो तीन तीन चीज़ें पहनी है फिर भी ठंड लग मतलब कम नहीं हो रही ठंड स्वेटर भी पहन रखा और शॉल भी उसमें भी सर्दी लग रही है तो ठंड तो अब दिल्ली में भी अच्छी खासी बढ़ गई है आप लोगों को मैं अपडेट देती रहती हूँ ठंड की भी और भाई अब तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि खाना बनाना है तो किचन में आना ही पड़ेगा मैं बस उठ के आई और आलू धोए मैंने क्योंकि आलू ना ज्यादा गंदे से आ रहे हैं आजकल नए आलू आ रहे हैं ना तो ज्यादा रेत होता है इनमें तो मैंने अच्छे से धोए और ना इन पे छिलका जो होता है ना वो परत बिल्कुल बारीक सी होती है जो जल्दी से उतर जाती है चाकू से तो मैंने बारीक बारीक सी उतारी ऐसे छिलके होते हैं ये आलू के अगर आलू के छिलके समेत भी सब्जी बना लो ना तो अच्छी बनती है मम्मी पहले ऐसे ही बनाती थी मेरी आलू के छिलके नहीं उतारती थी तो अच्छे लगते थे ऐसी भी सब्जी पर मेरे बच्चे नहीं खाते ना तो इसलिए मुझे उतारना पड़ता है छिलके अच्छे से उतार के और तब जाके मैं आलू काटती हूँ आलू के छिलके तो आजकल उतरते ही ऐसे है धोते भी है ना अगर सिंक में मैं धो रही थी ने तो तब भी भी अंगूठे से थोड़ा सा रगड़ने से ही इनके छिलके ना निकल जा रहे थे तो बस मैं इनको काट लूंगी और मैं गोभी और धोनी मुझे आलू तो मैंने धो लिए इसके साथ में ही काट लिए कि एक बार और इकट्ठे धुल जाएंगे क्योंकि ज्यादा रेतले से आलू होते है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता दो तीन बार तो मैं इनको धोई लेती हूँ और बस लहसन अदरक का पेस्ट नहीं रखा था तो वो मुझे छीलना पड़ा अदरक अदरक को अच्छे से धो लूंगी और इसको काट लिया मैंने तो सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है ये मेरी तो मैंने सोचा जल्दी से बना दू क्योंकि ठंड का टाइम भी है फटाफट से अपना काम निपटा के किचन विचन क्लीन करके और आराम से बैठूंगी फिर ना अंदर बैठ जाती हूँ ना मैं एक बार काम करने के बाद तो फिर नहीं उठती रात को काम मेरा नौ साढ़े नौ बजे तक फिनिश हो जाता है रात का दूध देना होता है बच्चों को दही वही जमाना जो भी काम है मतलब मैं अपना काम जल्दी से निपटा लेती हूँ तो बस मैंने इसमें तेल गर्म कर लिया और आलू गोभी की सब्जी तो मैंने दिखाई है मैं कैसे बनाती हूँ तो उसी तरीके से बना रही हूं इसमें मैंने अदरक डाला था जीरा डाला उसके बाद डाल दी प्याज तो प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू गोभी तो इसको भी अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करूंगी ना तो आलू गोभी फ्राई सी करके बनाते तो अच्छी बनती है टेस्ट अच्छा आता है तो इसलिए ना मैंने प्याज को भी कम ही भूना था इसके साथ में भी थोड़ी सी पकेगी ना प्याज तो साथ में फ्राई होती रहेगी तो आलू गोभी भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसमें मसाले डालूंगी तो एक टमाटर काटा मैंने तीन चार हरी मिर्ची काटी हरी मिर्ची ना ज्यादा तीखी है तो इसलिए मैंने तीन चार ही काटी तो बस मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया नमक डाल दिया पिसा हुआ धनिया डाल दिया हल्दी और लाल मिर्च कम डाली है क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्ची भी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स करके पका लूंगी और मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला क्योंकि ना इसमें सूखी सब्जी में पानी नहीं जाता तो सूखी सब्जी मैं ऐसे ही बनाती हूँ बस सिम करके रख देती हूँ और धीमी धीमी आज पे अच्छे से पक जाती है तो देखिये मैं पकने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ गोभी भी मेरी खिली खिली, खिली बनी है बिल्कुल तो ये मेरा खाना तो हो गया तैयार बस रोटी बनानी है चावल भी रखे हैं तो चलिए कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल